हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लिखे हूँ फैम्प एप्लीकेशन की तरह दूसरा एप्लीकेशन फॉर टीनेजर्स के लिए। तो दोस्तों, फैम्प एप्लीकेशन खास 12 टू 18 ईयर्स के अंदर जो भी बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है और यूपीआई आईडी नहीं यूज कर सकते इसीलिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं फैम्प के जैसा दूसरा एप्लीकेशन लेके आऊँ। उसमें भी आपको जैसे कि फैम्प एप्लीकेशन आपको स्कैन पेमेंट मिल जाता है, यूपीआई आईडी मिल जाती है, या सब रिचार्ज कर सकते हो, गूगल प्ले कोड डिस्काउंट, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसी भी एप्लीकेशन में भी ये सारे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और खास टीनेजर्स के लिए बनाया गया एप्लीकेशन। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो उसकी भी लिंक दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आपको सिंपल सा उस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और दोस्तों, ये भी एप्लीकेशन सेम फैम्पे की तरह यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं चलो आपको बता दूँ क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। और दोस्तों, ये खास 12 ईयर्स के अंदर के बच्चों के लिए बनाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे पेज ओपन हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपका बैलेंस होता है, आपका नाम आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, ट्रांसिट है, आप टिकट परचेस कर सकते हो ट्रेन का। और यहाँ पे कैशबैक वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारा कैशबैक मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी तक यूपीआई आईडी को लिंक नहीं किया है क्योंकि मैंने अपग्रेड करना भूल गया, इसकी वजह से। तो यहाँ पे लिंक और यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपकी यूपीआई आईडी भी लिंक हो जाती है, मतलब यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको पे वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिचार्ज वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप डीटीएच रिचार्ज को भी कर सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन में डीटीएच रिचार्ज नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पे वाला ऑप्शन है इसमें आप चले जाओगे तो यहाँ से आप टू कॉन्टैक्ट को पेमेंट कर सकते हो, टू यू पी आई डी पर पेमेंट कर सकते हो, बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो। जो मेन था दोस्तों स्कैन एंड पेमेंट, तो यहाँ से आप स्कैन एंड पेमेंट भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आपको कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको ओमनी कार्ड मिल जाता है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑफर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। उसके बाद हिस्ट्री वाले ऑप्शन में चले जाते हो तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिख जाता है। और मेन जो था दोस्तों, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया, इस स्कैन एंड पेमेंट वाला सिंपल से आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, स्कैनर वाला। तो इस पर आपको अगर आप सिंपल से टैप कर देंगे तो आपका बैक कैमरा चालू हो जाएगा और वहाँ से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा फैम्पे जैसा ये भी एप्लीकेशन है, अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो टीनेजर्स। और यहाँ पे आप अगर रिफर एंड अर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिफर से आपको ओमनी कॉइन्स मिलेगी, जिससे 2000 होने पर आपको बिल्कुल फ्री में ओमनी कार्ड मिल जाएगा। और ओमनी कार्ड आपको एटीएम में जाके मनी विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 3 लाइन्स मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल दिख जाता है, आपका क्यूआर कोड अगर मनी रिसीव करना है तो सिंपल सा माय क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। सबसे पहले यूपीआई आईडी को एक्टिव कर लेना है, जैसे कि दोस्तों क्यूआर कोड यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि क्यूआर कोड से मनी रिसीव कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑर्डर देख सकते हो, रेफर एंड अर्न का प्रोसेस बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ओमनी कॉइन्स कैसे अर्न करना है वही। और यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन है, और अगर आपके कोई कंप्लीट हो गए तो इस वाले ऑप्शन में जाके आप कंप्लीट दे सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टोटली ओमनी कार्ड का पूरा बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये वीडियो देख चुके हो पूरी तो आप समझ चुके हो कि फैम्पे की तरह ये भी एप्लीकेशन है, जहाँ आप स्कैन पेमेंट कर सकते हो, पेडी पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, सब फैम्पे की तरह है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना, अकाउंट क्रिएट करना का भी प्रोसेस देख लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब।